हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू आवर चैनल और आज का हमारा चैप्टर है सीइंग इन द माइंड और आज हम करने वाले हैं इसका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस तो हमारा पहला क्वेश्चन है हाउ मेनी चिल्ड्रन इन द स्टोरी वर परफेक्टली साइटेड इस स्टोरी में कितने चिल्ड्रंस अच्छे से देख पाते हैं ऑप्शन नंबर ए वन ऑप्शन बी थ्री ऑप्शन सी टू एंड ऑप्शन डी फोर तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी टू हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर टू जेनी हैड डैश देन हर ब्रदर ऑप्शन नंबर ए परफेक्ट साइट ऑप्शन नंबर बी वीक साइट ऑप्शन नंबर सी लेस साइट और ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द एफ इसमें से सारे मतलब जेनी अपने भाई से अच्छे से देख सकती है परफेक्ट साइट है उसका या फिर वीक साइट है कमजोर है या लेस है कम है या सारे के सारे होंगे तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी लेस साइट कम है वो अपने भाई से कम देख पाती है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थ्री हाउ ओल्ड वाज जेनी जेनी की एज कितनी है ऑप्शन नंबर ए सेवन ईयर्स ऑप्शन नंबर बी एट ईयर्स ऑप्शन नंबर सी सिक्स ईयर्स एंड ऑप्शन नंबर डी फाइव ईयर्स तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए सेवन ईयर्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फोर आउट ऑफ फोर चिल्ड्रेन हाउ मेनी कुड सी वेल चार चिल्ड्रन में से चारों में से सबसे ज़्यादा या अच्छे से कौन देख पाता है हमारा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए थ्री चिल्ड्रन, ऑप्शन नंबर बी वन चाइल्ड ऑप्शन नंबर सी टू चिल्ड्रन, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ द एफअ तो हमारा पहला ऑप्शन तीन बच्चे ऑप्शन बी में वो एक बच्चा ऑप्शन सी दो बच्चे या इसमें से कोई भी अच्छे से देख नहीं पाता तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी टू चिल्ड्रन दो बच्चे अच्छे से देख पाते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फाइव क्वेश्चन नंबर फाइव ऑन विच आइलैंड डिड ऑथर स्टे फॉर द हॉलीडे ऑथर हॉलीडे के टाइम किस आइलैंड पे रुकी थी ऑप्शन नंबर ए आइलैंड ऑफ मॉल ऑप्शन नंबर बी आइलैंड ऑफ मारिया ऑप्शन नंबर सी आइलैंड ऑफ मायो ऑप्शन नंबर डी आइलैंड ऑफ मल तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी आइलैंड ऑफ मल हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सिक्स वाट डिजीज डिड द थर्ड चाइल्ड हैव तीसरे बच्चे को कौन सी बीमारी थी ऑप्शन नंबर ए ग्लूकोमा ऑप्शन नंबर बी अम्बलाइपिया, ऑप्शन नंबर सी स्टारबसमस ऑप्शन नंबर डी कैटरेक्ट तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए ग्लूकोमा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सेवन व्हाट वाज द थर्ड चाइल्ड्स वन आई मेडो तो ग्लूकोमा होने की वजह से जो थर्ड चाइल्ड थी चाइल्ड था उसका एक आंख नकली था तो वो किस चीज़ से बनी हुई थी हमारा ऑप्शन ए प्लास्टिक ऑप्शन नंबर बी लेड ऑप्शन नंबर सी ग्लास एंड ऑप्शन नंबर डी स्टोन तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी ग्लास शीशे की बनी हुई थी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर एट हु टुक आउट द थर्ड चाइल्ड्स आई नहाते समय ऑथर जब उसकी आँख निकालने की कोशिश कर रही थी तो उस समय उस आंख को किसने बाहर निकाला हमारा ऑप्शन है ऑप्शन ए जैनी ऑप्शन बी ऑथर ऑप्शन सी थर्ड चाइल्ड एंड ऑप्शन डी ऑथर्स चाइल्ड तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी थर्ड चाइल्ड थर्ड चाइल्ड ने खुद ही अपनी आंख बाहर निकाली हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर नाइन विच ओल्ड स्टोरी वर जैनी एंड ऑथर टॉकिंग अबाउट जैनी और ऑथर घूम जब रहे थे वॉकिंग कर रहे थे उस समय किस पुरानी कहानी के बारे में बातें कर रहे थे हमारा ऑप्शन है ऑप्शन ए रिवर हॉर्स ऑप्शन बी लेक हॉर्स ऑप्शन सी सी हॉर्स ऑप्शन डी ऑफ द एवर तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन बी लेक हॉर्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर टेन वेयर वॉज द लेक होर्स गिंग समाइम कहाँ पे लेक हॉर्स को गैलप्स करते हुए दौड़ते हुए देखा गया तो हमारा ऑप्शन ए सरफेस ऑफ लेक ऑप्शन बी सरफेस ऑफ सी ऑप्शन सी सरफेस ऑफ रिवर ऑप्शन डी सरफेस ऑफ लॉच तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन डी सरफेस ऑफ लॉच हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 11 नेम द बुक विच जैनी वांटेड द ऑथर टू राइट फॉर हर उस बुक का नाम बताइए जो जैनी चाहती थी कि ऑथर नीना बाउदेन उसके लिए लिखे ऑप्शन नंबर ए अ बुक अबाउट जेवल थीव्स एंड लेक्स ऑप्शन नंबर बी अ बुक अबाउट मेटल थीव्स एंड केव्स ऑप्शन नंबर सी अ बुक अबाउट जेवल थीव्स एंड रिवर्स एंड ऑप्शन नंबर डी अ बुक अबाउट जेवल थीव्स एंड केव्स तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी अ बुक अबाउट जेवल थीव्स एंड केव्स नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व द डैश वॉज फुल ऑफ क्रॉक्ड कॉरिडोर एंड अनएक्सपेक्टेड स्टेयर्स कौन सी चीज गलियारों से कॉरिडोर से और सीढ़ियों से अनएक्सपेक्टेड स्टेयर से भरी पड़ी थी तो हमारा ऑप्शन नंबर ए मल ऑप्शन नंबर बी मेंस, ऑप्शन नंबर सी लॉज ऑप्शन नंबर डी नन तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी मेंस, जहां वो लोग रहते थे वो छोटी सी छोटा सा घर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थर्टीन व्हाट वाज द नेम ऑफ द विच डॉटर इस स्टोरी में जैनी ने एक बार एक स्टोरी सुनाई जिसमें एक विच थी और इसकी एक डॉटर थी उस डॉटर का नाम क्या था ऑप्शन नंबर ए जैनी ऑप्शन नंबर बी नीना ऑप्शन नंबर सी बॉडीटा ऑप्शन नंबर डी हैमलेट तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी परडिटर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फोर्टीन हु मेड अ फिल्म बेस्ड ऑन नीना बाउद नॉवल नीना बाउदन के नॉवल के ऊपर किसने मूवी बनाई फिल्म बनाई हमारा ऑप्शन नंबर ए फ्रेंच कंपनी ऑप्शन नंबर बी अमेरिकन कंपनी ऑप्शन नंबर सी ब्रिटिश कंपनी एंड ऑप्शन नंबर डी ऑस्ट्रेलियन कंपनी तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी एन अमेरिकन कंपनी नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन व्हाट वाज द एज ऑफ नीना बाउदेन्स ग्रैंड डॉटर नीना बाउदेन की ग्रैंड डॉटर की एज कितनी थी हमारा ऑप्शन है ऑप्शन ए ट्वेल्व ईयर्स ऑप्शन बी फोर्टीन ईयर्स ऑप्शन सी एलेवन ईयर्स एंड ऑप्शन डी थर्टीन ईयर्स हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी थर्टीन ईयर्स नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन इट वॉज लाइक मेकिंगट विदाउट हैमलेट लाइन किसने कहा इट वॉज लाइक मेकिंग हेमलेट विदाउट हेमलेट ऑप्शन नंबर ए ग्रैंडसन ऑप्शन नंबर बी नीना बाओदेन ऑप्शन नंबर सी जैनी ऑप्शन नंबर डी ग्रैंड डॉटर तुम्हारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए ग्रैंडसन नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सेवनटीन आई एम नॉट शेक्सपियर हु सेड दिस ये लाइन किसने कहा आई एम नॉट शेक्सपियर ऑप्शन नंबर ए ग्रैंडसन ऑप्शन नंबर बी नीना बाओदेन ऑप्शन नंबर सी जैनी एंड ऑप्शन नंबर डी ग्रैंड डॉटर हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी नीना बाउदेन ऑथर ने ही ये बात कही थी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर एटीन नीना बाउदेन वाज बॉर्न इन डैश नीना बाउदेन का जन्म कहाँ हुआ था ऑप्शन नंबर ए अमेरिका ऑप्शन नंबर बी इंडिया ऑप्शन नंबर सी लंदन ऑप्शन नंबर डी फ्रांस तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी लंदन नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर नाइनटीन हाउ मेनी नॉवेल्स डिड नीना बाउदेन राइट नीना बाउदेन ने अपनी लाइफ में कितनी नॉवेल्स लिखी थी ऑप्शन नंबर ए थर्टी टू ऑप्शन नंबर बी ट्वेंटी टू ऑप्शन नंबर सी ट्वेल्व एंड ऑप्शन नंबर डी फोर्टी टू हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी ट्वेंटी टू नॉवेल्स नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एंड लास्ट क्वेश्चन नीना बाउदैन वॉज डाइड इन उनकी मृत्यु देद कब हुई थी ऑप्शन नंबर ए 2012, ऑप्शन नंबर बी 2014, ऑप्शन नंबर सी 2013 एंड ऑप्शन नंबर डी 2015 हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 2012 तो आज के लिए इतना ही थैंक यू सो मच